अच्छी तरह से हम सोचे विचार करें कि इंट्यूटिवली अपने अंतःकरण से कुछ संदेश मिलता है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता क्या है इसका एक ग्लिम्स गहरी नींद में मिलता है। गहरी नींद में हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं, लेकिन वह अनुभूति अचेतन अवस्था में है। गहरी नींद में हम चमड़े का रंग क्या है इस बंधन से मुक्त हैं। हम स्त्री हैं पुरुष हैं लिंग भेद के बंधन से मुक्त हैं। हमारी उम्र क्या है इसके बंधन से मुक्त हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिले तब हमको शांति मिले। गहरी नींद में हम सब भूल जाते हैं सारा टेक्निकल नॉलेज। हम इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं सब वाइप आउट हुआ। अब हम फ्री हैं, किसी भी चीज़ किसी भी इन्फॉर्मेशन से हम गाइडेड नहीं हैं। इसलिए गहरी नींद सबको पसंद है, लेकिन इस तरह से अचेतन स्थिति में स्वतंत्रता की अनुभूति जो करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम चेतन अवस्था में अनुभव करना चाहते हैं। वो कैसे अनुभव करेंगे सोचते रहिए समझ में नहीं आएगा, तर्क वितर्क से समझ नहीं पाएंगे, किताब में ढूंढिए नहीं मिलने वाला है, कोई बताने वाला नहीं है। क्रिया योग ध्यान ये पूरी तरह से प्रमाणित आध्यात्मिक साधना है। अगर इसके अभ्यास में रम गए तो स्वतंत्रता की ओर यात्रा शुरू हो गई, और अगर इसे करते रहे, तनाव हो तब भी करें, टेंशन में हो तब भी करें, खुश रहें तब भी करें, इसका अभ्यास छोड़े ना, तो एक दिन देखेंगे कि हम स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गए तो कैसे लगेगा, बिना पैरों के चलेंगे, बिना हाथ के काम कर लेंगे, बिना आँखों के और अच्छी तरह देखेंगे, बिना कान के और सुनेंगे, और एक ही समय में जितनी जगह जाना चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह की स्वतंत्रता की हम लोग आशा करते हैं, उसी की खोज करते हैं। इसलिए इतने प्रकार की मशीनें बनी, हवाई जहाज़ बना, हेलीकॉप्टर बना, और अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो टेलीविज़न, सेलफोन, इंटरनेट, ये सारा जो आविष्कार हुआ उसी की खोज है। कितना भी वैज्ञानिक आविष्कार कर ले, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति संभव नहीं। क्रिया योग ध्यान करें तो एक ही जन्म में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, एक के नहीं अनेक लोगों ने इस स्थिति को प्राप्त किया है। तो आइए हम संकल्प लें कि हमारी जो आंतरिक प्यास है स्वतंत्र होने की, हम क्रिया योग ध्यान करते जाएं, और क्रिया योग ध्यान करते रहें, निश्चित रूप से पूर्ण स्वतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अहंकार बढ़ने नहीं देगा। हम अहंकार के द्वारा, जीव भाव के द्वारा नियंत्रित हैं, आदतों से नियंत्रित हैं, राग द्वेष से नियंत्रित हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पूरी तरह से घर कर रखा है, पाप पुण्य के बंधन से हम घिरे हुए हैं, लाभ हान सुख दुख इससे घिरे हुए हैं। जहाँ हम क्रिया योग ध्यान को पूरी भक्ति से लिए हम इससे स्वतंत्र हो जाएंगे, और फिर हम पाएंगे कि सिर से पैर की उंगली तक इसकी भी आवश्यकता नहीं है, और जब चाहे इसको बना लेंगे, जब चाहे इससे निकल के बाहर चले जाएंगे, जब चाहेंगे इसके अंदर रहेंगे, जब चाहेंगे परिवर्तन कर लेंगे, इसे स्वतंत्रता कहते हैं। आइए हम संकल्प लें। अगर इस संकल्प को गहराई से ले लिया
तो हमने एक विचार को पकड़ लिया और अगर इस विचार में रम गए तो हम पूरी तरह से इस समय नए हो गए। आइए इस नवीनता का बोध करें और संकल्प लें कि क्रिया योग का अभ्यास और मन लगा के करेंगे। इसी संदेश के साथ आइए हम नमन करें क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को। अब हम बैठेंगे, नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज़।